इस समय हम लोग म्युनिसिपल इंटर कॉलेज में खड़े हैं और ये बूथ सेंटर है पुराने सीतापुर का। यहाँ पर प्रशासन मौजूद है। शिकायत ये आ रही थी कि चुनाव आयोग से शिकायत ये की गई थी कि यहाँ पर जो है मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनका नकाब उतार कर उनको चेक नहीं किया जा रहा था, वो लगातार इस तरीके से जा रही थी। जब शिकायत हुई है पुलिंग एजेंट्स के बाद, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन अलर्ट हुआ है, अधिकारी यहाँ पर आए हैं और अब जो मुस्लिम महिलाएं उनके नकाब उतार के चेक किए जा रहे हैं, जिसके लिए महिला कॉन्स्टेबल्स को भी यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं गेट से अंदर आ रही हैं और अब उनको आधार कार्ड उनका लिया जाएगा। उनका आधार कार्ड लेने के बाद उनको चेक किया जाएगा, उनके चेहरे देखे जाएंगे और जो हाथ पे निशान लगाया जाता है चुनाव वोटिंग से पहले और वोटिंग के बाद, वो भी चेक किया जा रहा है। इसके बाद शिकायत हुई और लोग यहाँ पर पहुंचे, आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला कॉन्स्टेबल्स वगैरह सब यहाँ पर चेक कर रही है और एक एक करके यहाँ से भेजा जा रहा है, जिसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है, प्रशासन की टीम भी तैनात की गई है। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के एक प्रभारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या शिकायत उनको मिली थी और क्या नहीं मिली थी। क्या शिकायत आपको मिली थी जिसके बाद आपको यहाँ आना पड़ा? यहाँ पे पता लगा है कि फर्जी वोटिंग हो रही है भारी मात्रा में, बगैर आईडी चेक किए हुए और बगैर उसके यहाँ पे वोट पड़ रही है, जो नकाब डाले हुई है उनका परिचय नहीं हो पा रहा है ठीक से। अच्छा, शिकायत के बाद जब आप लोग यहाँ आए उसके बाद क्या रिजल्ट आया? अभी तक प्रशासन कितना एक्टिव हुआ है? अभी तो पता नहीं लग पाया है, आगे पता लगता है क्या करते हैं लोग उस विषय पे। हमारे साथ ही बीजेपी के प्रभारी थे जो सीतापुर के प्रभारी बनाए गए, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक प्रशासन को हम लोग वॉच कर रहे हैं और अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि स्थितियों में सुधार हो रहा है। कैमरा मैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, भारत 24 सीतापुर।